तो मल्टीवर्स किधर है बीड़ू, मल्टीवर्स किधर है, हर कोई यही पूछ रहा है। और एपिसोड 7 के बाद तो यार जैसे लोग पगला ही गए हैं कि अगर यहाँ पे पिएट्रो या फिर पीटर जो है वो क्विकसिल्वर नहीं है तो वो आखिर कौन है, और अगर मेफिस्टो अभी तक आया नहीं है तो एक्चुअली में एगाथा हार्कनेस का मोटिव जो है वो ये सब क्यों कर रही है, और बिली और टॉमी जो है ना वो कहाँ गए हैं। तो सबसे पहले यार तो मैं बिली और टॉमी के ऊपर आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा, और वो मेफिस्टो से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मेफिस्टो, जैसा आपने थॉर रैग्नारोक में नहीं देखा था कि सूत्र को कैसे जो है कैद कर दिया था या फिर डिस्ट्रॉय कर लिया था कुछ मोमेंट्स के लिए थॉर ने, और फिर बाद में इटरनल फ्लेम में उसे फिर से जगा दिया था लोकी ने। तो हो सकता है कि मेफिस्टो भी कहीं ना कहीं किसी बैनिशमेंट में हो, किसी कैद में हो, और यहाँ पे मेफिस्टो को आजाद करने के लिए जरूरत होगी एगाथा हार्कनेस को, टॉमी एंड बिली की, और उसके अलावा वोंडा की अनलिमिटेड और अनकंट्रोलेबल पावर की, जो कि इस वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें कॉमिक्स में दिखाया था कि टॉमी और बिली जो है ना उसे यहाँ पे वोंडा ने सोल फ्रेगमेंट्स यूज करके बनाया है मेफिस्टो के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेफिस्टो से रिलेटेड कोई कुर्बानी देनी हो टॉमी और बिली की, और उसमें शायद उनकी मदद यहाँ पे वोंडा कर सकती है, या फिर वोंडा को यहाँ पे मेफिस्टो को यहाँ पे बुलाने के लिए कहीं ना कहीं जो ईविल बुक हमने देखी थी वहाँ पे एगाथा की केव में, तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि यहाँ पे मेफिस्टो को लाने के लिए, क्योंकि मेफिस्टो जो है ना वो कोई एगाथा का हस्बैंड नहीं होने वाला है। काफ़ी सारे लोग मुझे पिछली वीडियो में भी यही कह रहे थे, लेकिन नहीं यार, मेफिस्टो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है, और इसीलिए मार्वल ने उसे जो है ना एंड के एपिसोड्स के लिए भी शायद बचा के रखा हुआ हो सकता है। और पिछले एपिसोड से मैं इसीलिए इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था क्योंकि मेफिस्टो इज अ वे वे बिगर कैरेक्टर, और जब उसकी एंट्री एमसीयू में होगी तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि अगर पीटर नहीं है, यानी कि पिएट्रो नहीं है, तो वो एक्चुअली में कौन है? अगर वो क्विकसिल्वर नहीं है, चाहे वो हम अगर ऑल्टरनेट रियलिटी की बात करें या फिर रियल वाली रियलिटी की बात करें, तो असल में वो है कौन? तो क्या आप ये नॉर्मल पर्सन हो सकते हैं जो कि हेक्स के अंदर घूम रहे थे और उसे यहाँ पे अपने चेले की तरह यूज कर रही है या फिर उसे इन्फ्लुएंस करके यूज कर रही है एगाथा? तो यार ये नहीं हो सकता है। और अगर वो कोई और कैरेक्टर है, यानी कि सिर्फ वो एगाथा हार्कनेस का चेला है या फिर उसका कलीग है जो कि उसकी मदद कर रहा है या फिर उसका पार्टनर है, तो यार फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एपिसोड 5 में इवन पीटर्स का कैरेक्टर इसलिए दिखाया ताकि फैंस एक्साइटेड हो, और बाकी एपिसोड्स में उसे वेस्ट कर दोगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अभी भी जो है इवन पीटर्स के कैरेक्टर का, यानी कि पीटर या फिर पिएट्रो वाले कैरेक्टर का रोल जो है वो बहुत ही बड़ा इस सीरीज में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी चांसेस हैं कि यहाँ पे ये क्विकसिल्वर हो सकता है, क्योंकि यार एपिसोड 5, एपिसोड 6 और एपिसोड 7 में कहीं ना कहीं हमें दिखा कि वो सुपर स्पीड को तो यूज कर रहे थे लेकिन वो एगाथा के इशारों पे कर रहे थे। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि ये शायद एगाथा जो है वो मल्टीवर्स से बिलोंग करती हो, किसी और रियलिटी से बिलोंग करती हो, और कहीं ना कहीं वोंडा की पावर्स को यूज करने के लिए और शायद मेफिस्टो को बुलाने के लिए यहाँ पे जो है उसे वोंडा की जरूरत हो, और इसीलिए उसने यहाँ पे एक तो किसी क्विक सिल्वर वाले, यानी कि जो बिल्कुल स्पीडस्टर है हमारे पिएट्रो की तरह, ओरिजिनल पिएट्रो की तरह, तो उसे यहाँ पे अपने इशारों पे नचाया और वोंडा के सामने खड़ा कर दिया। बात करें ना हेक्स की, जो वोंडा ने रियलिटी क्रिएट की है वो कैसे क्रिएट की है और क्या उसका अंजाम होगा एपिसोड के एंड में, क्या वो रियलिटी डिस्ट्रॉय होगी? क्योंकि काफ़ी सारे वोंडा विजन के ट्रेलर्स में हमें ये दिखा, टीवी स्पॉट्स में भी यही दिखा हमें, कि वो विजन से कहती है कि हमें इस रियलिटी को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी हमसे ये चीज़ छीन नहीं सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे एगाथा हार्कनेस कहीं ना कहीं या तो टेलर हेवर्ड के साथ कर इस हेक्स वाली रियलिटी को डिस्ट्रॉय करे, यहां पे वोंडा को यह बताने के लिए कि अगर वो उसके हिसाब से काम नहीं करेगी, उसके मोटिव के हिसाब से काम नहीं करेगी, तो वो इस चीज को डिस्ट्रॉय करके रख देगी। तो अगर यहां पे हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है हेक्स का, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मल्टीवर्स के पोर्टल्स जो है इसी के थ्रू खुल जाए यहां पे वोंडा विजन में, और यहीं पे आ सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही बड़ा रोल, जहां पे वो कहीं ना कहीं वोंडा की हेल्प कर सकते हैं एगाथा हार्कनेस को डिफीट करने में। और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि टेलर हेवर्ड जो है ना वो अल्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात करें तो वो एक और इम्पोस्टर हो सकते हैं इवन पीटर्स के कैरेक्टर की तरह, यानी कि इवन पीटर्स के ऊपर तो कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं अभी, लेकिन टेलर हेवर्ड या तो स्क्रल हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही ईवली शेप पर्सन हो, और इसीलिए वो यहाँ पे विजन को एक सेंटिएंट, एक ईवल वेपन के बनाने के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि एपिसोड 7 में भी हमने ये देखा कि जब मोनिका रैम्बो यहाँ पे जिमी वू से कहती है कि एक कैटरैक्ट नाम के प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं,
तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटी विजन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि वही अल्ट्रॉन वाला वर्जन वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि यहाँ पे ट्राई किया था अल्ट्रॉन ने, जिस तरीके से विजन को बॉडी में वो अपने वो डालना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो हो सकता है कि टेलर हेवर्ड या तो स्क्रल है और कहीं ना कहीं या तो उन्हें एगाथा हार्कनेस इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर उनके पीछे हो सकता है अल्ट्रॉन का हाथ। अब अल्ट्रॉन का हाथ किस तरीके से हो सकता है कि हो सकता है अभी भी जो है अल्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं मौजूद हो और यहाँ पे टेलर हेवर्ड ने कहीं ना कहीं या फिर स्वॉर्ड एजेंसी ने यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोशिश की हो उस प्रोग्राम को। तो हो सकता है अल्ट्रॉन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है टेलर हेवर्ड को, या फिर वो तो स्क्रल है या फिर उन्हें एगाथा हार्कनेस यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें लीड कर सकती है मल्टीवर्स की तरफ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वांडा का हेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है और वहीं डिस्ट्रक्शन ऑफ हेक्स यहाँ पे लीड कर सकती है मल्टीवर्स की तरफ। तो होप गाइज आपको ये आंसर मिल गया हो कि मल्टीवर्स एक्चुअली में अभी कहाँ है वांडा विजन में और कब हमें देखने को मिलेगी। प्रोबेबली एपिसोड 9 में इसका हमें बहुत ही बड़ी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो कि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लॉन्ग होने वाले हैं ये सारे एपिसोड्स। सो गाइस आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, आपके क्या थॉट्स हैं मल्टीवर्स के बारे में, किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज से बी मार्वेलस।